नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप अपने घर पे ही अपने मुर्गी के लिए कैसे दाना तैयार कर सकते हैं, यानी होममेड फीड फॉर्मुलेशन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए अच्छा होगा जो कि 100-150 या फिर उससे भी कम घर में मुर्गी पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शुरुआत में थोड़ा बहुत मुर्गी पालना शुरू करते हैं वो कम से कम कोशिश करते हैं कि बाजार का जो रेडीमेड फीड आता है वो अपने मुर्गी को खिलाएं। तो इसीलिए आज का जो मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ या फिर जो फीड फार्मूला शेयर करने वाला हूँ, ये अपने मुर्गी को अगर खिलाएंगे तो आपके मुर्गी का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा रहेगा और आपका जो फीडिंग का कॉस्ट रहेगा वो भी बहुत ही कम रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी जो फीड फार्मूलेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ वो दोस्तों 10 किलो के हिसाब से बताऊँगा, यानी जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको मंगाना है, जितना भी मात्रा में मंगाना है वो 10 किलो के हिसाब से आपको मंगाना होगा। तो उसी के हिसाब से आप एक बार में जितना फीड तैयार करना चाहेंगे उस हिसाब से फिर आपको सारा सामान मंगाना होगा। तो 10 किलो फीड तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है मेज यानी मकई 5 किलो 500 ग्राम। अब दोस्तों ये जो मेज का दाने का साइज है यानी जो ग्रेन साइज है ये बड़ा बड़ा होता है, और अगर फीड में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट मेज को मिला देंगे तो वैसे में क्या होगा, जो दाने का साइज वो बड़ा बड़ा रह जाएगा और मुर्गी का जो चोंच रहेगा वो उसके हिसाब से बहुत छोटा रह जाएगा, यानी मुर्गी इसको नहीं खा पाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेज को तोड़ना होगा, यानी इसको मिक्सर ग्राइंडर या फिर किसी भी चीज़ की मदद से जो दाने का साइज है इसको आपको छोटा छोटा कर लेना है ताकि मुर्गी इसको आसानी से खा पाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर पे आपको लेना है व्हीट यानी गेहूं। गेहूं आपको इस्तेमाल करना है इसमें 700 ग्राम। इसको भी दोस्तों सेम आपको मिक्सर ग्राइंडर या फिर किसी भी चीज़ की मदद से जो दाने का साइज है उसको छोटा छोटा कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है बाजरा। बाजरा आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा 1 किलो। तो बाजरा का भी जो दाने का साइज है वो बड़ा बड़ा होता है, तो इसको भी आपको मिक्सर ग्राइंडर या फिर किसी भी चीज़ की मदद से तोड़ लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यानी चौथे नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है खुद्दी। खुद्दी यानी जो चावल का टुकड़ा होता है उसको खुद्दी कहा जाता है, तो खुद्दी आपको इसमें इस्तेमाल करना है 1 किलो। तो इसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में डालने का जरूरत नहीं है, यानी इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि चावल का जो टुकड़ा होता है उसका जो दाने का साइज होता है वो वैसे ही बहुत छोटा छोटा होता है जिसको कि मुर्गी आराम से खा पाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 5 नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है सोया डीओसी। सोया डीओसी इसमें मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा एक सोर्स है। तो सोया डीओसी आपको इस फीड में मिलाना है 1 किलो। ये आपको अपने लोकल मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 6 नंबर पे आपको जो फीड में मिलाना है वो है दोस्तों फिश पाउडर, यानी जो ड्राई फिश पाउडर होता है यानी मछली को सुखा के उसका जो चूरन बनाया जाता है उस पाउडर का आपको इसमें इस्तेमाल करना है 700 ग्राम। हो सकता है आपको ये लोकल मार्केट में ना मिले, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर लोकल मार्केट से ये नहीं मिलता है फिश पाउडर तो आप ऑनलाइन से भी इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं इसको खुद से तैयार करने का तो आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे साइज का मछली होता है उसको आपको धूप में सुखा के ड्राई करके फिर उसका चूरन आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 7 नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है राइस ऑयल। राइस ऑयल आपको इसमें मिलाना होगा 100 ml यानी 100 मिलीलीटर। ये आपको हो सकता है अपने लोकल मार्केट में ना मिले तो आपको इसको ऑनलाइन खरीद के लाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यानी 8वें नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है सोडा, यानी जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा, उस सोडा का आपको इस फीड में मिलाना है 30 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट यानी 9 नंबर पे आपको मिलाना होगा सॉल्ट यानी नमक 20 ग्राम। इसके बाद दोस्तों लास्ट यानी 10 नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है मिनरल मिक्सचर। ये आपको बहुत ही आराम से आपके आसपास में जहाँ पर भी वेटनरी शॉप्स या फिर पशु का जहाँ पर दाना खाना मिलता है उस दुकान पे मिल जाएगा। तो मिनरल मिक्सचर आपको इस फीड में मिलाना है 20 ग्राम। तो ये जितना भी 10 चीज़ें आपको बताया गया ये मेन इन्ग्रीडियंट्स है, इसके अलावा मैंने अपने तरफ से 2 चीज़ें और ऐड किया है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इस फीड से मुर्गी को बेनिफिट्स मिल पाए, जिसमें से सबसे पहला है जिंजर पाउडर यानी अदरक का चूरन 50 ग्राम आपको इसमें मिलाना है, और दूसरा जो है वो है गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का चूरन वो आपको 50 ग्राम मिलाना है। तो ये जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने बताया, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये दोनों अगर आप फीड में मिक्स करेंगे तो इससे हमारी मुर्गी को और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल पाएगा। जैसे अदरक के इस्तेमाल से यानी जिंजर पाउडर के इस्तेमाल से मुर्गी में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी जो पाचन तंत्र है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मुर्गी को बचाता है, उसके साथ साथ ये एक नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा जो आपने गार्लिक पाउडर यानी जो लहसुन का चूर्ण इस्तेमाल किए हैं इसके इस्तेमाल से मुर्गी में जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये बूस्ट करने में मदद करेगा, उसके साथ साथ और भी बाकी सारे जो बीमारी है उससे दोस्तों ये लड़ने में मुर्गी को मदद करेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मुर्गी हमेशा स्वस्थ रहे तो आपको ये 2 चीज़ें और ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों जितना भी चीज़ें आपको बताया गया वो सारा जब आपने ले लेंगे तो आपको क्या करना है, फीड को मिलाना है, यानी जो भी चीज़ें आपको बताया गया था तोड़ने के लिए यानी मिक्सर ग्राइंडर में जो दाने का साइज है उसको छोटा कर लेने के लिए,
तो आपको सबसे पहले वो सारा दाना छोटा छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको एक एक करके सब चीज को मिक्स करना है, यानी एक साथ मिला देना है। जब दोस्तों आप दाने को मिक्स करेंगे तो आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा कि कोई भी चीज एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपरली अच्छे से दाने के साथ सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए। तो इसलिए आपको एक एक चीजों को अच्छे से ध्यान से मिलाना होगा। जैसे ही आप सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे, आपका 10 किलो मुर्गी के लिए दाना बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कोई भी कंटेनर या फिर बोरा आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें आपको इसको डाल के एक अच्छे जगह में रख लेना है। अब दोस्तों बात आता है, ये जो दाना आपने तैयार किया है इसको आपको अपनी मुर्गी में कितने दिन बाद इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कब से अपनी मुर्गी को ये दाना खिलाना चाहिए। तो आप दोस्तों कोशिश कीजिएगा शुरुआत के 20 से लेकर 30 दिन तक बाजार का जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो अपने चूजे को दे, ताकि चूजा जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए। जैसे 20 से लेके 22 दिन या फिर 30 दिन हो जाता है, उसके बाद से आप धीरे धीरे ये दाना अपनी मुर्गी को यानी चूजा को खिलाना शुरू कर सकते हैं। और जब तक आप सेल नहीं करते अपनी मुर्गी को, या फिर जितना दिन आप अपने घर में मुर्गी रखते हैं उतना दिन तक आप इसको खिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात, ये जो दाना है ये अंडा देने वाली मुर्गी के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास मुर्गी है जो कि अंडा दे रही है तो उसके लिए आपको अलग से दाना बनाना होगा। उसके ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों, जब भी आप घर का बनाया हुआ फीड अपनी मुर्गी को खिला रहे हैं, हमेशा कोशिश कीजिएगा हर 10 से लेकर 12 दिन के बाद 3 दिन करके मल्टीविटामिन्स उसके साथ कैल्शियम का जो भी सप्लीमेंट आता है उसका इस्तेमाल अपनी मुर्गी में जरूर करें। तो दोस्तों बस आज का था ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेगा अभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा जय किसान।